तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, फाइनली इस सांप को पकड़ लिया गया है। और दोस्तों ये धामिन सांप है, मेहनत करना सफल हो गया दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सब परमित्र बस्ती में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के रेस्क्यू कॉल दोस्तों मुझे धवैया चौराहे से मिला है। फाइनली उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं और इन भाई साहब का कहना है कि इनका टेंट का दुकान है और टेंट के दुकान के अंदर कुछ गद्दा रखा हुआ, वहाँ पर कुछ जहरीले सांप देखा है। आप फाइनली चलकर देखते हैं कौन सा सांप है, किस स्थिति में है। भाई साहब पहले अपना नाम बताएं। बुधराम पाल। और सांप कब देखे हैं आप? अभी आधा घंटा पहले। आपका किस चीज़ का दुकान है? ये दुकान उनका है। अच्छा, टेंट की दुकान है। और सांप कहाँ पर दिखा चलकर हमें बताएंगे आप? चलिए बताइए। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, फाइनली अब चलकर देखते हैं कौन सा सांप है। और ये धोबैया चौराहा पड़ता है दोस्तों, जस्ट रोड के बगल में ही दुकान पड़ता है। आप फाइनली चलकर देखते हैं कौन सा सांप है, किस स्थिति में है। और दोस्तों यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं टेंट का दुकान है। और इनका कहना है कि गद्दा हटा रहे थे तो वहाँ सांप दिखा, ये लोग छोड़ कर भागे। और यहाँ पर देख सकते हैं सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ देखे भैया? स्पीकर के पास। अभी कितना देता है? अरे वो यार मैंने आ रहा मैं चूल्हा जाए मेरा तब वो दिया चीज है तुरंत भागे। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, फाइनली यहाँ पर सामान ढेर सारा रखा हुआ है। और जो है ये टेंट का दुकान है और यहाँ पर लोग ने देखा और भागे। हटाइए हटे, डरने की बात नहीं है, अब हटाइए। अब थोड़ा हमें एक झूम के लेने ढंग से, यहाँ से लेंगे तो अच्छा। और यह कहना है कि वो जो गत्ता रखा हुआ है, बक्सा रखा हुआ, वहीं पर कहीं देखा गया है। फाइनली हम हटा रहे हैं। रट थोड़ा हटा लो भैया। कैसा सांप था भैया? भैया कौन में सपोर रहा? अब वो आज ना खाली जाली से बहुत तेज टुकुआ आता है यार। टुकुआ आ रहा तो फटा फटा भैया। और दोस्तों हमारा फेसबुक चैनल भी है, हमारे फेसबुक चैनल का नाम है घनश्याम बाबा स्नेक रेस्क्यू। आप उसको फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिल है वहाँ पर। अरे उनसे आ है यार, वो काटाओ गत्ता हटाओ भैया। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो बिल दिख रहा है, इसी बिल में वो शायद सांप हमें चला गया है। अब इसको हम बिल थोड़ा खोदेंगे, निकालेंगे फिर। आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों। नहीं नहीं क्लियर कर लो एक बार, सही बात है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ढेर सारा हंडा हंडा रखा हुआ है। और दोस्तों इनका जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, फाइनली इस सांप को पकड़ लिया गया है। और दोस्तों ये धामिन सांप है, मेहनत करना सफल हो गया दोस्तों, सांप को पकड़ लिया गया है।
अब इसको फाइनली अब यहीं पर हम पैक कर देते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 से 5 से 6 फुट का होगा। ये फाइनली इसको पकड़ लिया गया है। अब इसको हम पैक कर देते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। और अगर किसी को सांप काटे तो दोस्तों आप सीधा जिला हॉस्पिटल लेकर जाएं, किसी झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े। और आप देख सकते हैं इसको फाइनली पैक करने जा रहे हैं। अब अरे गुस्से में, अरे तो गुस्सा तो हो गई करी मैंने, शांत करो। अरे बाबा चढ़ा हो वहां मत रखो, यही रखो ना, देख लियो जन पूजा तक रही हमें। एक दो दिन जैसे किया। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं फाइनली इसको पैक कर दिया गया है सुरक्षित। अब इसको सुरक्षित ले जाकर हम इसके वातावरण में अभी हम रिलीज कर देंगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में सब लोग यहां पर आए हुए हैं सांप को देखने के लिए। और दोस्तों यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, एक बेजुबान को मारा नहीं बचा लिया, बहुत अच्छा काम किया है। और ये धोबैया चौराहा पड़ता है बस्ती से तकरीबन ये 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। और चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, फिर उसको हम जंगल में छोड़ते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों ये सांप जो है इसे काटने से कुछ होता नहीं है क्योंकि इसके अंदर जहर नहीं पाया जाता है। और ये सांप हमारे यहाँ इसको धामिन बोलते हैं, महाराष्ट्र में और राज्यों में इसको घोड़ा पछाड़ किसान मित्र भी बोलते हैं। और दोस्तों इसको मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए क्योंकि सांप एक बेजुबान जानवर है और अपने पर्यावरण के लिए दोस्तों इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अगर कहीं सांप दिखे तो आप हमसे संपर्क करें। आप लोग वीडियो में बने रहिए।